नाज़रीन आप देख रहे हैं क्राइम टाइम न्यूज, मैं हूं आपका दोस्त खैसर खान, ब्यूरो चीफ क्राइम टाइम न्यूज। हर तरह की खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए क्राइम टाइम न्यूज। श्री श्री काली माता टेम्पल काली माता टेम्पल बताइए। रामचंद्र हनुमान टेम्पल श्री माता तमाम मंदिर कमेटी की मीटिंग होनी चाहिए। हमें चाहिए कि उनसे रिप्रेजेंटेशन लेके अफसरों की रिक्वायरमेंट क्या है। उस मीटिंग में हमारा बैठक बालाजी सर, चीफ सचिव, पूरे ऑफिस नामबंदी के लिए बैठने चाहिए। सेक्रेटरियट में एक मीटिंग होती है जहाँ पे लोकल मंदिर कमेटी के लोग वहां पे जाके बात नहीं कर पाते, तो लोकल सतह पे हमें मीटिंग ऑर्गेनाइज कराना चाहिए जहाँ पे जीएचएससी वाटर वर्क्स और नामपल्ली में नेक्स्ट ईयर दोनों से एक महीना पहले तमाम मंदिर कमेटी के लोगों को बुलाकर उनके रिक्वायरमेंट्स लेकर ये कोशिश करनी चाहिए कि बोनार फेस्टिवल एक शानदार तरीके से नामपल्ली में मनाया जाए और पूरा एक क्या उसका कर सके। मेरे साथ आप लोग हैं, हमेशा आप लोग साथ हैं, करिए हमारे लिए भी, हमारे काम के लिए भी, हर वक्त आपके दरमियान में हम रहते हैं। आज एक दर्शन प्रकार एमएनसी हमारे साथ है आपके साथ चेक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, और यहाँ पे चेक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और कोई भी अगर रिक्वायरमेंट है बुधान के तालुक से मेरे सामने बोलिए, हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि बेहतरीन से बेहतरीन सहूलत आपको दे। अगले साल मैं पूरी कोशिश करूंगा कि बुधान से एक महीना पहले पूरी लोकल लेवल पे भी मीटिंग हो जहां पे हम तीन तीन के इंटरवेंट डिपार्टमेंट हमारो मैडम हो या सर हो या जीएचएमसी महकमा हो या वाटर वर्क्स हो, स्ट्रीट लाइटिंग हो, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हो, सबको लेकर अगली बार बुधान से एक महीना पहले बैठकर मीटिंग करेंगे। पूरा कोशिश करेंगे कि आपको अच्छी से अच्छी सहूलत दी जाए। फिर से आप तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, एमएनसी साहब का खास तौर से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपने कीमती वक्त से वक्त निकालकर यहाँ पर आए कि हमारे साथ चेस डिस्ट्रीब्यूशन कर सके। शुक्रिया एमएनसी का, थैंक यू सो मच। आपका कुछ भी काम है आप मेरे पास आइए, मैं मुझे आपको साथ लेकर आपका काम करने की पूरी कोशिश हम करेंगे। हमारे गरीब भाई हमारे साथ है। एक चीज यहाँ पे और भी ये भी है कि आपके सामने मतलब मैडम की बात बार बार सुनते हैं मेरे मुंह से, मगर आप ही ये बात सुन लीजिए कि नामपल्ली हल्के में चार बड़े हॉस्पिटल है। एक है एरिया हॉस्पिटल नामपल्ली जहाँ पे फ्री एक वैक्सीन का दवाखाना है, जहाँ पे लेडीज की डिलीवरी होती है, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी होती है, फिजियोथेरेपी वहाँ पे मौजूद है, किडनी डायलिसिस सेंटर वहाँ पे मौजूद है। अगर कोई हमारा भाई कर्जे के बोझ में है तो प्राइवेट हॉस्पिटल में उसको जाने की जरूरत नहीं, वो मेरे पास आएगा या हमारे साथियों के पास आएगा। यूनिफॉर्म हॉस्पिटल भी यहाँ पे मौजूद है, अगर कोई बच्चा बीमार होता है और उसको अगर कोई जरूरत खाना खासा पड़ती है तो उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाकर और उस आदमी के आन पर कर्जे का बोझ मत डालिए, मेरे पास लेके आइए। निरोपण हॉस्पिटल एक बेहतरीन हॉस्पिटल है जहाँ पे 120 वेंटिलेटर्स मौजूद है जो हमेशा आवाज की खिदमत करती है। यही नाम पर भी होते हैं सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल है, अगर किसी को आत्माओं का इलाज है तो किसी किस्म के नहीं जाने की जरूरत नहीं, मेरे पास आइए, बेहतरीन इलाज सरकारी दवाखाने में आपका कराया जाएगा। एमएनजे कैंसर हॉस्पिटल है, आपको पता होना चाहिए 20 ईयर्स से एमआईएम का एमएलए यहाँ पे है, 20 ईयर्स में एमएनजे आज इंडिया का सबसे बड़ा
कैंसर हॉस्पिटल बन चुका है जिसमें रोबोटिक टेक्नोलॉजी भी मौजूद है, बोन मैरो कैंसर ट्रीटमेंट भी मौजूद है। अगर बोन मैरो कैंसर ट्रीटमेंट आप भी बाहर के हॉस्पिटल में कराते हैं तो 25 लाख रुपीज उसका खर्चा है जो एमएचए कैंसर हॉस्पिटल में फ्री में करा जाता है। तो हमें फायदा उठाना चाहिए और गरीब जो गरीब भाई है जो इलाज कराना चाहते हैं मेरे पास लाइए, साफ होगा हम हर तरीके से आपका काम करना चाहते हैं। और अगली बात से है और हमारी मदद से है कि बुनान के 6 स्पेशल मिशन से करीब 15 माइक्रोमीटर के अंदर